ओम शांति। 28 सितंबर साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। गीत, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं या फिर है संगम। बच्चों का बाप के साथ मेला, बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा, जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना? इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं? ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना? सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहां से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान हैं, उनको ही सतश्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत्य श्री अकाल ये किसकी महिमा की? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा के अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? है तो मनुष्य, 8-10 भुजाएं तो नहीं है? इतनी भुजाएं क्यों दी है यह किसी को पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है तो फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर है, वंडर है ना? बच्चों को समझाया है। बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। यह सारी ड्रामा में नोंद है जो पाठ रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं। वह है निराकार निर्भय निर्वैर,
उनका कोई के साथ वैर नहीं है, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे, अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रदान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं, अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे, जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया, जो मुखवंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है, तो तुम जानते हो, वह ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाला है। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रवृत्ति मार्ग होने कारण यह भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8-10-100 भुजा वाला कोई है? नहीं, ये सब चित्र फालतू है, ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं, ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, जैसे रावण के 10 शिष्य दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं, तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में, यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दुरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं, तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है, जहां तक आ जा सकते हो। तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं, बाकी 8-10 भुजा वाले वा चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहां से आए, तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है। यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं, देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं, चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, तो खुद बड़ा हो गया ना, तुम हो उनकी संतान पोतरे और पोतरिया। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं, एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता, वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं,
कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं, तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं? अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं, लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह तो है होली राजाए। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतीत हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है, यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो, ऊंचे तेउस शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदिया भी वहां रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाएं? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं, बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था? जो उनको बैठ कथा सुनाई, वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा, शिवलिंग कहाँ है? तो बोला, शिवलिंग तो आपे ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वह कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिजन बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं, कंठे पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठे पहनते हो, तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं, या मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनेस्टी या होली डिनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है, फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है, यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं। तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो, भविष्य सतयुग के लिए कितने उच्च और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं,
छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगदम्बा के बच्चे शिव शक्ति सेना, एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। यह कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लकी सितारे, ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है ना, परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चो प्रति मात पिता बाप दादा का दिल वजान सिख प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल, सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है, हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सन्मुख और समीप भव। विस्तार है, जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़िया सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती है, ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सन्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.